ससुराल पालकी में बैठकर। मां आई थी बैलगाड़ी में, मैं कार में आई, मेरी बेटी हवाई जहाज से। अच्छा, मेरी पोती हनुमान की ट्रिप पर उड़ गई अंतरिक्ष में। कच्चे मकान में दादी की जिंदगी गुजर गई, पक्के मकान में रही मां। मुझे मिला मोज़ेक का घर, बेटी के घर में मार्बल, पोती के घर में लगे हैं स्लैब ग्रेनाइट के। दादी पहनती थी खुरदुरे खद्दर की साड़ी, मां की रेशमी और संबलपुरी। मैंने पहनी हर तरह की फैशनेबल साड़ी, बेटी की है सलवार कमीज, जीन्स और टॉप्स। मेरी पोती पहन रही है स्किन फिटिंग टी शर्ट और शर्ट्स। लकड़ी के चूल्हे में किसी जमाने में खाना पकाती थी दादी। मां की भी थी कोयले की सिगड़ी और हीटर, मेरे हिस्से में आया गैस का चूल्हा। जहां बेटी की रसोई होती माइक्रोवेव ओवन से, पोती आधे दिन घर चलाती डिब्बे के खाने से। दादाजी से कुछ कहने को दादी इंतजार करती थी सवेरे लालटेन के बुझने तक, और मां बात करती पिताजी से ऐसे मानो दीवार से बोल रही, और मैं इनसे बात करती, अजी सुनते हो? मेरी बेटी दामाजी को नाम से बुलाती, पोती आवाज लगाती दामाद को, हाय हनी। दादी बतियाती थी दादाजी से आधी बात सीने में दबाकर, मां बोलती पिताजी की हां में हां मिलाकर। मैंने इनकी कई बातों पर सवाल उठाए, मेरी बेटी तो दामाद जी की बोलती ही बंद कर देती अपने तर्क से, उधर बातों में पोती अपना अधिकार वसूलती दामाद से। कई बच्चों की मां थी दादी, मां के बच्चे उससे कुछ कम थे, मेरी गोद में बच्चे दो ही अच्छे। बेटी की तो आंख का तारा उसका इकलौता, पोती मां बनने को ढूंढ रही है किराए की कोख। दादी मोद होती थी मुल्तानी मिट्टी से, मां सिलबट्टे से पिसी हुई हल्दी से, मैं साबुन से धोती, मेरी बेटी फेस वॉश से। पोती फेस पैक चुपड़ती अपने स्टीम किए चेहरे पर। दादी का था बहुत बड़ा परिवार, मां भी पिस जाती थी परिवार की भीड़ में। मैं कभी ससुराल जाती तो कभी सास ससुर मेरे पास आकर रहते। मेरी बेटी सास ससुर को कुछ दिन के लिए रखती एक घोंसला नुमा कमरे में, वो भी हिस्से में जब उसकी बारी आती। पोती अभी से बात कर चुके वृद्धाश्रम वालों से अपने अपने सास ससुर के बुढ़ापे के लिए। दादी की सोच और उसकी रीत थी बाबा आदम के जमाने की, मां की रूढ़िवादी मेरी आधुनिक, पर बेटी की सोच अत्याधुनिक, जबकि मेरी नातिन आचरण और उच्चारण दोनों में उत्तराधुनिक। इस तरह पीढ़ी आगे बढ़ रही है पुरानी को मसल कर, समय की धारा बदल रही नई को संवार कर। हमारे देखते बदल गया सब कुछ दादी से पोती तक, है ना? महसूस कीजिएगा, कभी याद कीजिएगा अपने पुराने वक्त को, अपने पुराने दौर को। क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या सच में ऐसा हो रहा है?